Dear students, Sudarshan ka lecture English here for the lesson The Gold Frame is written by Razipuram Krishna Swami IR Lakshman, born 23rd October 1924 or non 23rd October 1924, an Indian cartoonist, illustrator and humorist. He was widely regarded as India's greatest ever cartoonist and was best known for his creation The Common Man. के लक्ष्मण का लिखा होया उन्होंने जन्म 23 अक्टूबर 1924 में होया। वह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सी, व्याख्याकार सी अते प्रसिद्ध व्यंगकार सी। इंडिया के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट के तौर पर जाने जाता है तो उन्हों की क्रिएशन द कॉमन मैन के तौर पर। दत्ता वाज अ पिक्चर फ्रेम मेकर, दत्ता तस्वीर बनाने वाला सी। ही वाज अ साइलेंट एंड हार्ड वर्किंग मैन, वो चुप चाप रहने वाला तो सख्त मेहनत करने वाला सी। One day a customer visited his shop. एक दिन एक गाहक उसकी दुकान पर आया। He wanted the best frame for a photograph he had brought with him. वो एक फोटोग्राफ के लिए उसको वधिया फ्रेम चाहिए सी जिहड़ी अपने नाल लैके आया। It was a photograph of his late grandfather. ये उसके दादा जी की तस्वीर सी। सारी स्टोरी फ्रेम के उपर है। The customer wanted the best cut mount frame for the photograph. कस्टमर नु की चाहिदा सीगा अपने फोटोग्राफ के लिए वधिया फ्रेम चाहिए सी। प्रोमिस टू कीप इट रेडी इन 2 वीक्स। दत्ता ने यह वादा किया कि वह इसको 2 हफ्तों के तैयार कर देगा। बट बाई मिसटेक द पिक्चर गॉट डैमेज, गलती नाल पिक्चर खराब हो गई। फाउंड सम अदर पिक्चर ऑफ अ सिमिलर लुकिंग मैन, उसने की किया कि एक होर उस तरह के व्यक्ति की तस्वीर ली। आयरोनिकली कुडंट नो दैट इट वॉज द पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड फादर। ये अजीब गल सी कि कस्टमर ये नहीं समझ सकया कि पिक्चर उसके दादा जी की है। हिज ओनली कंप्लेंट वॉज दैट द पिक्चर वॉज नॉट फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। उसकी कंप्लेंट इस कि जोड़ा उसने ऑर्डर दिता है, कट माउंट का ऑर्डर दिता, वो अकॉर्डिंग ये फ्रेम नहीं सी। एंड द मॉडर्न फ्रेमवर्कस, द मॉडर्न फ्रेमवर्कस वाज एक्चुअली एन एक्स्ट्रा लार्ज वुडन पैकिंग केस माउंटेड ऑन बॉबी लेग्स टक्ड इन अ गैप बिटवीन अ ड्रग स्टोर एंड अ रेडियो रिपेयर शॉप। मॉडर्न फ्रेमवर्कस उसकी दुकान का नाम सी मॉडर्न फ्रेमवर्कस। ये दुकान लकड़ दे इट्टा दे सीमेंट नाल नहीं बनी हुई सी। द मॉडर्न फ्रेमवर्कस वॉज एक्चुअली एन एक्स्ट्रा लार्ज वुडन पैकिंग केस माउंटेड ऑन बॉबी लेग्स टक इन अ गैप बिटवीन अ ड्रग स्टोर एंड अ रेडियो रिपेयर शॉप। द मॉडर्न फ्रेमवर्कस एक बहुत व्डे लकड़ के संदूक की तरह सी, हिलन वाली लत्तों के उपर रख्या होया सी। दवाइया वाला स्टोर और रेडियो की मरम्मत कर वाले स्टोर के खाली थान के स्थित स्थित सी। दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर लैसन दैट Where was the modern frameworks situated? Question number 2. We will also discuss questions side by side. And number 2. Who was the owner of the modern frameworks? Its owner Datta. Datta was the owner of modern frameworks. Datta was the malik si dukaan da. With his concave figure, silver rim glasses and a complexion of seasoned timber fitted into his shop with the harmony of fixture. The akar. कनकेव फिगर सी, अंदर नूं मुड़िया होया सी, अते चांदी दे फ्रेम वालियां उस दियां ऐनकां सी। अतगा रंग सी सीजन टाइम्बर, सुक्की लकड़ी वर्गा रंग सी। अपनी दुकान दे विच एक सारता नाल जिहड़ियां जड़ियां होईयां चीज़ां सी उन्हां दे विचों फिट। सो वी हेल्पफुल इन राइटिंग द करैक्टर स्कैच ऑफ दत्ता। क्वेश्चन नंबर 2। एंड नैक्सट, ही वॉज अ साइलेंट हार्ड वर्किंग मैन, ही गेव ओनली Laconic answers to his questions, his customers ask, and strongly discourage casual friends who try to intrude on his zone of silence with their idle gossip. चुप चाप रहने वाला, सख्त मेहनत करने वाला आदमी सी। जिहड़े प्रश्न उसनों पूछते सी उन्हां दा ओ थोड़े शब्दों में जवाब दिंदा सी। लैकोनिक मीनिंग यूजिंग फ्यू वर्ड्स।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਸੀਨ ਸਿਟਿੰਗ ਹੰਸਡ ਅਪ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਅ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਪੀਸਿਸ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰਸ਼ ਅਪ ਮੀਨਿੰਗ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਤੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਬਿਟਸ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਮੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ, ਗੂੰਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ, ਪੇਂਟ ਦੇ ਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਓਡ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਮੀਨਿੰਗ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੈਟ ਇਨਟੂ ਪੁਟਿੰਗ ਅ ਪਿਕਚਰ ਇਨ ਅ ਫਰੇਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਡਲੇ ਆ ਗਲਾਸ ਕਟਰ, ਮੈਡਲੇ ਮੀਨਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ, ਇਸ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਾਸ ਕਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅ ਪੈਨਸਲ ਸਟਾ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾਜ਼ ਆਫਨ ਲੋਸਟ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਨ ਹੀ ਵੁੱਡ ਅਨਕੁਆਇਰ ਫਰੋਮ ਹਿਸ ਪੋਸਟਰ, ਸਿੱਧਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਗਰੋਪ ਇੰਪੇਸ਼ੀਐਂਟਿਡ ਫੋਰ ਇਟ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਐਂਡ ਸ਼ੇਕ ਹਿਸ ਧੋਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਟੂ ਡਿਸਲੋਜ ਦ ਲੋਸਟ ਓਬਜੈਕਟ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਝਾੜਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰੌਕ ਦ ਹੋਲ ਸ਼ੋਪ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹਿੱਲ, ਸੈਟਿੰਗ ਦ ਪਿਕਚਰਸ ਔਨ ਦ ਵਾਲ ਜੈਂਟਲੀ ਸਵਿੰਗਿੰਗ, ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਲਦੀਆਂ। And now the third question from your textbook is, what were the walls of the shop covered with? Here we will find an answer to this question. There was not an inch of space that was not covered by a picture, gods, saints, hockey players, children, cheap prints of the Mona Lisa, national leaders, wedding couples, Urdu graphic da matlab sulekh sundar likhai, the snow clad fusum, ਵੋਲਕੈਨੋ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਿਊਜ਼ੀਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਕੋਗਜਿਸ ਵਿਦ ਅ ਚੇਅਰਫੁੱਲ ਇਨਕੰਗਰਿਟੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜਨੈਸ, ਇਨਕੰਗਰਿਟੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਂਜਨੈਸ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਸਮ ਫੈਬੂਲਸ ਵਰਡ, ਫੈਬੂਲਸ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੋਪ ਔਨ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ, ਓਬਸਟਰਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਜੋਸਲਿੰਗ ਪੈਡੈਸਟ੍ਰੀਅਨਸ ਅਨਾਊਂਸਡ, ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਡੈਸਟ੍ਰੀਅਨ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਫਰੇਮ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਦੱਤਾ ਵਿਦ ਹਿਸ ਹੈਬਚੁਅਲ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ, ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਵਾਈ ਦਿਖਾਈ, ਇਗਨੋਰਡ ਹਿਮ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਬੀ ਇੰਗੇਜਡ ਇਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਰਿਊਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਏ ਫਰੇਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਪੇਜ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਡਨ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਹਾਓ ਮੱਚ ਇਟ ਕੋਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਟੂ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਡਿਡ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਵਾਂਟ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੋਪ ਔਨ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਡ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਟੂ ਬੀ ਫਰੇਮ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਡਨ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਹਾਓ ਮੱਚ ਇਟ ਕੋਸਟ, ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਵਲੰਟੀਅਰਡ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਆਪ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਨਰੈਪਿੰਗ ਅ ਫੀਡਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏ ਵਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਸੈਪੀਆ ਬਰਾਊਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਐਨ ਓਲਡ ਮੈਨ, ਅਤੇ ਸੈਪੀਆ ਬਰਾਊਨ ਮੀਨਿੰਗ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਈ। ਇਟ ਵਾਜ ਸ਼ਾਰਪ ਐਂਡ ਹਾਈਲੀ ਪਾਈਟ ਆਫ ਇਟਸ ਐਂਟੀਕਿਊਟੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਸੀ। ਹਾਈਲੀ ਗਲੇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਐਂਟੀਕੁਇਟੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ਏਜ, ਵਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਫਰੇਮ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ, ਦਿੱਤਾ ਆਸਕ, ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਬੈਂਟ ਓਵਰ ਹਿਸ ਵਰਕ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਧੀਆ, ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟ੍ਰੇਂਟ ਵੇਅਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਸ, ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟਿੰਟ ਮੀਨਿੰਗ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਨਾ ਸਪੈਂਡ ਅਮਾਊਂਟ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ। ਦਿੱਤਾ ਗੇਵ ਅ ਸਾਈਡ ਗਲੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਟ ਅ ਗਲਿਮਸ ਆਫ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਸਨੇ, ਜਸਟ ਅਨਦਰ ਐਲਡਰੀ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਸਿਆਣੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਅ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਦੀ
फिलेंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी है, सोशल वर्कर, समाज काम करने वाला, विद द इनएविटेबल विस्कर्स, हमेशा विस्कर मुछा रखने वाले व्यक्ति की फोटो है, एंड टॉप हैवी कैसकेडिंग टर्बन, कैसकेडिंग मीनिंग वड्डी अते टिल्ली पगड़ी। ये फीचर्स है, उसके दादे की तस्वीर किस तरह की सी, इट कुड बी एनी वन ऑफ दीज, ये इन्हों के कोई भी हो सकती सी। इट एट लीस्ट हाफ अ डजन पीपल केम टू हिम एवरी मंथ बीरिंग सिमिलर पोर्ट्रेट्स, घट्टो घट अद्धी दर्जन लोग उसके कोल आते हैं इस तरह दस्वीर लेके, वॉन्टिंग टू डिमोन्सट्रेट दियर होमेज टू द परसन, उसनों की कहें सी कि अपने जोड़ा व्यक्ति है उसके प्रति श्रद्धांजलि पेंट करना चाहते हैं, होमेज श्रद्धांजलि इन द पिक्चर इन द शेप ऑफ ए ग्लिटरिंग फ्रेम, किस तरह चमकते हुए फ्रेम के तस्वीर लगा के। एंड द कस्टमर वॉज डिस्क्राइबिंग द ग्रेटनेस ऑफ द मैन, वो गाहक उस आदमी की ग्रेटनेस नू दस रहा सी, एक्सट्रावेजेंट बिजॉन्ड रीजनेबल, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हों जिसते वे चंगे पाती हैं, कंपेशन मीनिंग पिटी एंड चैरिटी दया की भावना सी, वर बीइंग जेनसी एट्रीब्यूटेड टू हिम इन अ वॉइस, वो इस तरीके नाल उसनू ये सारिया भावनावां पेंट कर रहा सी, दैट केम क्लोज टू द चैंटिंग ऑफ ए होली स्क्रप्चर, इस तरह लग रहा सी जिवें कि वह स्क्रप्चर पढ़ रहा हो, जिस तरह कि वह कोई धार्मिक पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा। इफ दिस वर्ल्ड हैड जस्ट अ फ्यू मोर लाइक हिम, जे इस दुनिया उस डे वुड सर्टेनली हैव बीन अ डिफरेंट प्लेस, फिर अपने दादे बारे गा कह रहा कि जे थोड़े जे बंदे उहदे वर्गे इस दुनिया विच हुंदे तां जगह बहुत सोहनी होनी सी रहन वास्ते, ऑफ कोर्स देयर आर डेमन्स हू मे नॉट एग्री विद मी, कहिंदा बड़े विक पर्सन हो नहीं सहमत होणगे, दे आर आउट टू डिसग्रेस हिज नेम एंड डिस्ट्रॉय हिज मैमरी, वो उसके नाम नूं अते उसकी शान नूं बर्बाद करन लगे हुए आ, बट इज़ गॉड इन माई होम, पर मेरे घर विच की है वह परमात्मा है। नैक्सट सुन की, वट सॉर्ट ऑफ फ्रेम डू यू वॉन्ट, दत्ता इंटरप्टड, दत्ता ने उसनों विचों रोकया कि तुसी किस तरह का फ्रेम चाहते हो, दत्ता ने कहा प्लेन वुडन लैकवर, साधारण लक्कड़ दा, पर गोल्ड सनैरी प्लास्टिक और जस्ट एनामल पेंटेड, एनामल पेंटेड जां सिर्फ जिसके उपर रंग किया गया हो, गिव्ड अ कैजुअल हैंड टू वॉच द पिक्चर्स ऑन द वॉल, फोटो वाल अपना हाथ, ही वॉन्टड अ वेरी, एंड नैक्सट द कस्टमर साइलेंटली सर्वेड द वेरियस फ्रेम्स, गाहक ने बड़े ध्यान नाल अलग अलग फ्रेम देखे, आफ्टर सम टाइम दत्ता हार्ड हिज मंबल, मंबल मीनिंग स्लो टू स्पीक स्लोली, थोड़ी देर बस उसकी आवाज़ सुनी, आई वॉन्ट द बेस्ट, उसने कहा कि मैंने वधिया चाहिए, आई डोंट हैव एनी सैकेंड रेट स्टफ इन माई शॉप, फिर दत्ता उसका की रिस्पोंस, कहता कि मेरे को दूजे दर्जे का स्टफ नहीं है मेरी दुकान दे विच, ऑन नंबर ऑफ सैंपल्स, उसको कई तरह के सैंपल दिखाए गए, प्लेन डेकोरेटिव फ्लोरल, फ्लोरल मीनिंग फ्लावर्स वाले, जमैट्रिक स्ट्रोंग एंड सो फोर्थ, तो इस तरह के फ्रेम, द कस्टमर वॉज बैफल्ड बाय द वरायटी, कस्टमर इस वरायटी देख के पजल हो गया, ही एग्जामिन द सिलेक्शन बिफोर हिम फॉर अ लोंग टाइम, उसका एग्जामिन किया, इसनों देखा, एंड आंसर टू द फिफ्थ क्वेश्चन, वट टाइप ऑफ फ्रेम्स डिड दत्ता शो टू द कस्टमर, शोन नंबर ऑफ सैंपल्स, प्लेन डेकोरेटिव फ्लोरल ज्योमेट्रिकल थिन हेफ्टी एंड सो फोर्थ, द कस्टमर वॉज बैफल्ड, एग्जामिन द सिलेक्शन बिफोर हिम फॉर लोंग टाइम एज ही वॉज अनश्योर ऑफ हिज जजमेंट, उसने सिलेक्शन को कितनी देर तक एग्जामिन किया क्योंकि उसको जजमेंट नहीं से हो रही, एंड वॉज ऑफरेड ऑफ इंश्योर हिज सेवियर फॉर एवर इन सम अगली चीप फ्रेम, अते उसको डर लगता सी कि अपने सेवियर की पिक्चर नू उसनू किसे मंदिर दे विच ते चीप फ्रेम दे विच ना रखो, दत्ता केम टू हिज रेस्क्यू, दत्ता उसके बचा लिए आया, एंड रिकमेंडेड वन, अते उसने एक पीस दिखाया जिदे विच परफ्यूजन मीनिंग बहुत मात्रा दे विच गोल्ड लीव सी जिसके उपर ते वेलना सी, एंड ऑर्डर टू क्लीयर एनी लिंगरिंग डाउट, लिंगरिंग मीनिंग जो उसके मन के अंदर चल रहा सी डाउट उसको क्लीयर करने लिए, माइट स्टिल हार्बर इन रिगार्ड टू इट्स क्वालिटी एडिड, इसके क्वालिटी नू शैल्टर करने के लिए हार्बर मीनिंग शैल्टर करना, उसने ये ऐड किया इट्स जर्मन इंपोर्टेड कि ये जर्मन तो मंगाया होया है, एंड दिस इज आंसर टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड दत्ता डू टू हेल्प द कस्टमर मेक हिज चॉइस, द कस्टमर एट वंस सीम्ड इंप्रेस्ड, कस्टमर एकदम ही इंप्रेस हो गया अते चुप हो गया, दत्ता नैक्सट आस दत्ता ने अगे पूछया यू वॉन्ट अ प्लेन माउंट और अ कट माउंट, की तेनों सधारण चाहिए फ्रेम या कट माउंट चाहिए, एंड वॉच द पजल लुक रिटर्न, देखा बिच फिर उलझन आ गई सी, अगेन ही हैव द मैन आउट
by showing his various mounts and suggested that the cut mount looked more elegant. उसने आदमी दी तरह आकार दे फ्रेम दिखा के मदद कीती अते उसने दस्या कि कट माउंट ज़्यादा शानदार लगता सी. All right, let me have a cut mount then. कहिंदा फिर ठीक है, कट्टिया हुआ फ्रेम लैन दियो. Is that a cut mount? कि वह कट्टिया हुआ फ्रेम है. He asked, pointing to a framed picture on the wall of a soulful looking lady in an old cut mount. उसने की एक जड़ी बिल्कुल उदास दिखाई दे रही सी, लुकिंग वेरी सैड, उस और दी तस्वीर वाल जड़ी के अंडा आकार दे रे करके इशारा कर. आई लाइक दैट शेप, मैनू ए शेप चाहिए है. विल इट कॉस्ट मच, की इसकी कीमत ज़्यादा है. टू क्वेश्चन, व्हाट प्राइस डिड दत्ता को फॉर द फ्रेम सिलेक्टेड बाय हिज कस्टमर. नो, नहीं, फ्रेम माउंट ग्लास सारिया चीज़ों के फ्रेम कर दे, ग्लास दे, शीशे दे, माउंट मीनिंग कटाई दे, सारिया चीज़ों के 17 रुपये लगन गए, 17 रुपीज. द कस्टमर हैड एक्सपैक्टड इट वुड बी मोर, ए गाहक नूं ए लगता सी कि इसकी ज़्यादा कीमत होएगी. ही प्रटेंडेड टू बी शॉक्ड ऑल द सेम, पर नाल ही उसने बहाना किया कि गल सुन के उसनों धक्का पहुँचा. एंड ट्राई टू बारगेन, उसने सौदेबाजी की कोशिश की. दत्ता विदड्रू टू हिज कॉर्नर विदाउट रिप्लाइंग, दत्ता अपने कोने वाल मुड़िया, उसका उसने जवाब नहीं दिता. एंड बिगेन टू कट अ पीस ऑफ प्लाईवुड, उसने प्लाईवुड का एक टुकड़ा कटना शुरू किया. द कस्टमर हंग अनसर्टेनली फॉर सम, के गाहक कुछ समय के लिए निश्चितता दे विच बिल्कुल स्थिर हो गया. एंड फाइनली आस, फिर उसने पूछा, वैन विल यू हैव इट रेडी, तू कदों तक इसमें तैयार कर देंगे. एंड बेयरली हर्ड द रिप्लाई ओवर द वाइब्रेटिंग नॉइज ऑफ द सॉ ऑन द प्लाईवुड, जदों उस कटती हुई इस आवाज़ बड़ी मुश्किल नाल ही उसका आंसर सुनिया. 2 weeks फ्रॉम टूडे, आज तो 2 हफ्ते बाद उसको फ्रेम कट तक वापस मिलना सी, उस दिन तो लैके आफ्टर 2 वीक्स. क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, वट वॉज दत्ता एक्सपीरियंस अबाउट हिज कस्टमर्स. दत्ता हैड लर्नड बाय लोंग एक्सपीरियंस दैट इज कस्टमर्स नैवर केम पंक्चुअली. दत्ता नूं इन्नी देर दे तजर्बे तो बाद पता चल गया सी कि कस्टमर कदे भी पंक्चुअल नहीं होंदे, कदे भी समय सिर नहीं आउंदे. केम डेज इन एडवांस, जां तो पहलां आ जांदे एंड वेंट अवे डिसअपॉइंटेड, फिर निराश होकर चले जांदे आ. और केम मंथ्स आफ्टर लेटर, जां फिर कई के महीने नहीं आउंदे. एंड सम महीने, एंड सम नेवर रिटर्नड अप एट ऑल, एंड देयर पिक्चर्स ले अनक्लेम्ड इन अ बॉक्स. कई कदे भी नहीं वापस आउंदे, ते उन्हां दीआं तस्वीरां एक बक्से दे विच बिना मालिक तो, बिना किसी के नाम तो, गैदरिंग डस्ट एंड फीडिंग इकट्ठी कर दियां रहिंदियां, ते कॉकरोच की खुराक, सिल्वरफिश की खुराक बन दिया, या छोटे एक इंसेक्ट का नाम है. देयरफॉर दिस इज आंसर टू 9th क्वेश्चन, फॉर हूम डिड दत्ता मेक फ्रेम्स. ही मेड फ्रेम्स फॉर दोज हु केम टू हिम एंड विजिटेड हिम एट लीस्ट ट्वाइस बिफोर ही एक्चुअली एग्जीक्यूटिड देयर ऑर्डर्स. वो उन्होंने फ्रेम बना जेडे सचमुच का फ्रेम बन तो घट्टो घट 2 बार उसके कोल. 10 days later, the tall, rustic-looking man appeared and inquired. 10 din baad, lamba aadmi, jehda ke pendu dikhai dinda si, rustic-looking, appeared. Oh, aaya te usne puchhya, has the picture been framed? Ki tasveer ban gayi hai? I was passing by, main itthon ja reha si, and thought I could collect if it was ready. Te main ja reha si, main sochya, main pata karda jaavan ki isnu bana ditta hai. दत्ता कास्ट साइडवे लुक एट हिम, दत्ता ने साइडवे मीनिंग टेढ़ी नज़र नाल उसनू देखिया. एंड कॉन्टीन्यूड विद हिज वर्क, उसने अपना काम जारी रखा. आई नो आई हैव कम 4 days अर्ली, मैं जानता हाँ मैं 4 दिन पहला आ गया. द कस्टमर ग्रीन नर्वसली, कस्टमर घबरा के मुस्कराया, स्माइल. इज इट विल इट बी रेडी बाय ट्यूजडे, की है मंगलवार तक हो जाएगी तैयार. दत्ता मीयरली नोडेड विदाउट शिफ्टिंग अटेंशन फ्रॉम अ टाइनी नेल विच, दत्ता ने सिर्फ अपना हाँ विच सिर हिलाया ते ड्राइविंग विच ही. नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ दिस लैसन विल बी इन द नैक्सट वीडियो. थैंक्स.